नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। चंद्रयान 2 जो ओरिजिनली केवल एक साल के लिए भेजा गया था चांद को ऑब्जर्व करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो अब 7 साल तक काम करेगा ऐसा इसरो का अनुमान है। और इसके बारे में उन्होंने हाल ही में पार्लियामेंट में भी ऑफिशियल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके जवाब में ये बात बताई थी। चंद्रयान 2 इसरो के वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक था। हालांकि ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, 100% सफल नहीं हो पाया, लेकिन आज भी ये हमें बहुत ही वैल्यूएबल डेटा भेज रहा है। तो किस प्रकार का डेटा है इसी की जानकारी हम मेनली लेंगे और मैं आपको ब्रीफली इस मिशन के बारे में भी बताऊंगा। यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट हैज साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर्स लॉन्ग विद लेजर्स शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। The experiment in the question refers to, तो यहाँ पर एक स्पेस मिशन के बारे में सवाल पूछा गया था, उसको डिस्क्राइब किया गया था कि 3 स्पेसक्राफ्ट हैं जो 1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर एक साथ एक ट्राइंगल के रूप में, इक्विलैटरल ट्राइंगल के रूप में जाएंगे। ऑप्शंस थे वॉयेजर 2, न्यू होराइजन्स, लीजा पाथफाइंडर या इवॉल्व लीजा। आंसर आपको मिल जाएगा लेक्चर के अंत में, लेकिन अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट्स में इसका जवाब जरूर दें, अटेम्प्ट जरूर करें क्वेश्चंस को, तभी आपको पता चलेगा ना कि आप कितने पानी में हो। और अगर ज्यादा पानी में हो तो पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, डेली टेस्ट सीरीज होती है, इसका शेड्यूल यहां पर आपको मिल जाएगा। जो इस हफ्ते के विनर्स हैं हमने उनकी घोषणा कर दी है, कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं कि आप टॉप 10 में आए या नहीं। अगर आए हैं तो आपको ये वाले अवार्ड्स मिलेंगे। और याद रखिए ये कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए केवल एक अनलॉक कोड यूज करना होगा, महिपाल कोड यूज करके आप इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। डेली 12:30 बजे ये टेस्ट सीरीज लाइव हो जाती है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज है, 30 क्वेश्चन होते हैं, 15 से 20 मिनट में आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक नई अपडेट है, मेरा एक प्लस कोर्स आ रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडियन पॉलिटी। तो भारत के इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, राइट फ्रॉम विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया टू ए के गोपालन टू केशवानंद भारती, इस तरह के सभी केसेस को मैं डिस्कस करूंगा 16 क्लासेस में, 16 घंटों में आपको इन सारे इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में मैं डिटेल्स बता दूंगा, चाहे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, किस प्रकार से उन्होंने हमारे पॉलिटी पर इंपैक्ट किया, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। 28 मार्च से ये बैच शुरू हो रहा है, आप इसमें लाइव क्लास में मुझसे पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके लिए आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे अलावा भी और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस फ्री भी होती हैं, स्पेशल क्लासेस उन्हें कहा जाता है, उनको अनलॉक करने के लिए आपको अगेन केवल एक कोड यूज करना है, तो मेरा नाम महिपाल आप यूज करेंगे तो आपके लिए क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन है, उसको अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो अभी काफी अच्छा मौका है। 31 मार्च तक आपको एक्स्ट्रा 4 मंथ्स वैलिडिटी मिलेगी, तो अगर आप मार्च 2021 में ये कोर्स खरीदते हैं तो आपको मार्च 2022 नहीं बल्कि 31 जुलाई 2022 तक की वैलिडिटी मिलेगी। और मान लो अगर प्रीलिम्स की डेट और एक्सटेंड हो जाती है, अगस्त सितंबर तक चली जाती है, तो जब तक प्रीलिम्स नहीं होता तब तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। तो इससे आपको रिविजन में आसानी रहेगी, आप टीचर्स के साथ जुड़ाव बनाए रख सकते हैं और रिविजन बैचेस को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इस कोर्स का फायदा उठाइए और 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आप यहां पर पा सकते हैं, ये प्राइसेस आपको पे नहीं करनी है, कोड यूज करेंगे तो आपको इन प्राइसेस पर सब्सक्रिप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म से तो ऑप्शनल प्लस जीएस के जो कंबाइंड कोर्सेज हैं दैट विल बी बेटर फॉर यू। और यहां पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, एंड अगेन ये प्राइसेस नहीं है, इन पर भी 10% डिस्काउंट है अगर आप यूज करते हैं कोड महिपाल। यूपीएससी के अलावा एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम सभी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। लोकसभा के सत्र में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सरकार से सवाल पूछा कि चंद्रयान 2 के बारे में क्या अपडेट है, कितने साल तक वो ऑर्बिटर काम करेगा। तो इसके जवाब में, लिखित जवाब में, भारत सरकार ने ऑफिशियली ये जानकारी दी कि चंद्रयान 2 7 साल तक चलने की हमें उम्मीद है। और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में, तो 1.5 साल से ज्यादा समय तो ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप वैसे देखो तो 2 साल की इसकी जो लाइफ साइकिल एक्सपेक्टेड थी वो तो अभी खत्म होने वाली है, कायदे से वो अभी तक उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जानी चाहिए थी, वो काम करना बंद कर देता अगर वो 2 साल जितना ही चलता। लेकिन अब सरकार को या इसरो को टू बी स्पेसिफिक उम्मीद है कि वो 7 साल तक काम आसानी से कर लेगा उसका ऑर्बिटर। अब ये ऑर्बिटर शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि कुछ कंपोनेंट उसके काम नहीं किए थे, तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। 22 जुलाई को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, इसका प्लान ये था कि चंद्रयान 2 से जो लैंडर है वो चांद के दक्षिणी पोल पर जाकर लैंड करेगा। तो इसका लॉन्चर क्या था, GSLV Mark 3, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाले पॉइंट्स, इसलिए आपको याद रखने पड़ेंगे। GSLV Mark 3 भारत का इंडिजिनसली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल है। चंद्रयान 2 का मेजर कंपोनेंट था उसका ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या है बेसिकली, अगर मान लो ये चांद है, उसके चारों तरफ उसकी जो कक्षा है, एक ऑर्बिट है, उसमें ये चक्कर लगा रहा है। तो ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मून का, और इसका काम क्या है कि ये चांद के और हमारे धरती के जो सेंटर्स हैं उसके बीच में एक रिले का काम करे, कम्युनिकेशन को रिले करे।
तो चांद की सतह पर ये ऑर्बिटर नहीं जाएगा, ऑर्बिटर का काम केवल ऑर्बिट में घूमना है, सतह पर जाने का काम था विक्रम का, विक्रम जो है वो था इसका लैंडर। तो ये भारत की पहली सॉफ्ट लैंडिंग होती चांद की सतह पर, तो ये जाकर चांद की सतह पर उतरता। ये जो ऑर्बिटर है ये तो चांद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ऑर्बिट कर रहा है, और उससे निकलकर ये विक्रम भेजा गया था चांद पर लैंड करने के लिए, लेकिन इसकी लैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। अगर वो सक्सेसफुली लैंड हो जाता तो उसमें से एक रोवर निकलता। तो देखो लैंडर का काम केवल ये है कि जाकर चांद की सतह पर टिक जाना, उसमें देखो इस प्रकार से पांव बने हुए हैं इसके, तो ये तो केवल एक जगह पर खड़ा रह सकता है, लेकिन उसके अंदर से निकलता रोवर। तो रोवर एक 6-व्हील्ड व्हीकल था, AI पावर्ड था, और इसका काम ये होता कि वो चांद की सतह से सैंपल्स को कलेक्ट करता और वापस लेकर आ पाता। तो ये रोवर जो है ये फेल हो गया था, बेसिकली विक्रम की लैंडिंग जो है वो सक्सेसफुली नहीं हो पाई और उसके कारण आगे प्रज्ञान उसमें से नहीं निकल पाया। तो ऑर्बिटर का काम ये था कि ये रिमोट सेंसिंग डेटा इकट्ठा करता रहे, ऑर्बिट में घूमता रहे, और साथ ही साथ लैंडर और रोवर से आने वाला जो डेटा है उसको भी कलेक्ट करके धरती की सतह पर रिले कर दे। लैंडर और रोवर का टारगेट ये था कि वो चांद की सतह पर जाकर कुछ मेजरमेंट्स लेते, कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करने की कोशिश करते। ये चंद्रयान 2 की पूरी टाइमलाइन है, और टाइमलाइन एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है, बस एक आइडिया के लिए ध्यान रखो कि जुलाई में वो लॉन्च हुआ था और सितंबर में जाकर विक्रम को लैंड करवाने की कोशिश करी गई थी। तो 2 सितंबर वो दिन था, वैसे आप लोगों को शायद याद ही होगा, काफ़ी मतलब इमोशनल डे था पूरे भारत के लोगों के लिए। तो विक्रम लैंडर जो है वो ऑर्बिटर से सेपरेट होता है और लैंडिंग की कोशिश करता है, लेकिन वो एक हार्ड लैंडिंग थी। हार्ड लैंडिंग का मतलब वो काफ़ी तेज़ी से जाकर सतह पर टकरा गया, जो सॉफ्ट लैंडिंग प्लान करी गई थी वो नहीं हो पाई, और उसके कारण उससे कम्युनिकेशन पूरा चला गया। तो वो है अभी भी चांद की सतह पर ही है, दिख भी जाता है कई बार, सैटेलाइट पिक्चर्स आते हैं चांद के, उसमें वो दिखता भी है, अभी रिसेंटली पता चला था। तो विक्रम जो है वो दिख भी गया है, वहाँ पर है अभी तक, इट इज स्टिल देयर, लेकिन अब उसके साथ हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ गई होगी हार्ड लैंडिंग के वक्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया, क्योंकि बाकी के जितने भी स्टेप्स थे वो पूरी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए, और जो ऑर्बिटर है वो आज दिन तक ऑर्बिट कर रहा है चांद के चारों तरफ, और उसके कारण हमें बहुत सारा डेटा मिला है। चांद की सतह को हम मैप कर पाए हैं, टेरेन मैपिंग हो पाई है, तो कल को चांद का गूगल मैप्स भी निकाल सकते हैं हम चाहें तो, इतनी ज़्यादा मैपिंग हो चुकी है। चांद की सतह पर जो मिनरल्स हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी मैप किया जा रहा है इस ऑर्बिटर के द्वारा, तो मून के पोलर रीजन्स में ये मिनरल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहा है। और ऑर्बिटर का जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है, इसका रेजोल्यूशन 0.3 मीटर का है, जो अभी तक भेजे गए सभी लूनर मिशन में सबसे ज़्यादा है, वन ऑफ द मोस्ट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो हमें मिली हैं सारे मिशन में, जितने भी देशों के मिशन गए उनमें सबसे बेहतरीन इमेजेस भारत के चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर के द्वारा भेजी जाती हैं, और इसका इस्तेमाल दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी करती है, केवल हम उसे स्टडी नहीं करते हैं बल्कि दूसरे देशों के साइंटिस्ट के साथ भी उसको शेयर किया जाता है। ये कुछ इमेजेस हैं जो चंद्रयान 2 के द्वारा ऑर्बिटर के द्वारा भेजी गई थी, इसमें आप देख सकते हो कि जो क्रेटर्स हैं वो कितनी क्लियरली हमें नजर आ रहे हैं। तो ये चांद की सतह के क्रेटर्स हैं, और याद रखना है ये 100 किलोमीटर ऊंचाई पर है, मून के सरफेस से 100 किलोमीटर दूर से ये इमेजेस क्लिक करी जा रही हैं, और इनमें से कुछ क्रेटर्स का नाम रखा गया था भारत के द्वारा, नामकरण किया गया, तो साराभाई क्रेटर नाम रखा गया है आफ्टर मिस्टर विक्रम साराभाई, जो हमारे भारत के स्पेस प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं। इस विक्रम साराभाई क्रेटर की काफ़ी डिटेल स्टडी हुई है, तो इसकी जो गहराई है वो लगभग 1.7 किलोमीटर है, इसकी जो साइड वॉल्स का एंगल है दैट इज 25 to 35 degree, और इसको स्टडी करके चांद के इस हिस्से के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिली है, जहां पर लावा फिल्ड एरियाज थे, तो जहां पर पहले लावा था उस एरिया में ये क्रेटर है, तो उसके बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। और चंद्रयान 2 पर जो 8 इक्विपमेंट थे, 8 अलग अलग तरह के इक्विपमेंट थे, सभी सही से काम कर रहे हैं आज दिन तक, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं अभी तक, सारे के सारे इक्विपमेंट 8 out of 8 इक्विपमेंट्स आर वर्किंग परफेक्टली। और इनसे जो डेटा आता है वो जनरली हम रिलीज करते हैं एनुअली, इसरो उनको रिलीज करता है, तो एनुअल लूनर प्लानिटरी साइंस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी मार्च 2020 में, वहां पर ये डेटा रिलीज होता, लेकिन COVID-19 के कारण ये कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई थी या पोस्टपोन कर दी गई थी। तो एज ऑफ राइट नाउ चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर कौन से डेटा को स्टडी कर रहा है, एक तो मून की टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है कि सतह कैसी है उसके बारे में डिटेल जानकारी, साइस्मोग्राफी वहाँ पर भूकंप वगैरह आते हैं उसके बारे में, मिनरल आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ कहाँ पर मिनरल्स हैं, कितना उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्फेस का केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, थर्मोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टॉप सॉइल, कॉम्पोजिशन ऑफ द टेन्यूअस लूनर एटमोसफियर। तो इन सभी चीज़ों की स्टडी जो ऑर्बिटर कर रहा है उससे हमें काफ़ी वैल्यूएबल डेटा मिलता है। चांद की सतह के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम चलेंगी, ना केवल टोपोग्राफी बल्कि वहाँ की सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या है, एटमॉस्फियर जो बेसिक थोड़ा बहुत एटमॉस्फियर है वहाँ पर उसका क्या कॉम्पोजिशन है, और थर्मोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारी जानकारियाँ भविष्य में हमारे लिए बहुत काम की होंगी जब हम फ्यूचर चंद्रयान मिशन भेजेंगे, चंद्रयान 3 भेजेंगे। बाय द वे आप लोगों के लिए एक सवाल है, कमेंट में बताओ कि चंद्रयान 3 का टारगेट लॉन्च डेट क्या है, समय मंथ बता दो या ईयर बता दो तो भी मैं आंसर आपका मान लूंगा।
तो ये जो ऑर्बिटर है ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। इसकी लाइफ स्पैन इमेजिन थी 1 to 2 years, लेकिन अब लग रहा है कि 7 साल तक ये काम कर लेगा। तो इसरो के जो मिशंस हैं वो अमूमन इसी तरह से काम करते हैं कि अंडर परफॉर्म नहीं करते, वो ओवर परफॉर्म करते हैं। तो जैसे इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन था, है ना, वो भी 6 महीने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो अभी भी चल रहा है, अभी भी पिक्चर्स भेज रहा है। तो हमारा मार्स मिशन ऑलमोस्ट 6 साल पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी वो आराम से अच्छे से काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ये चंद्रयान 2 मिशन भी बढ़िया से काम कर रहा है। तो डिस्पाइट लूजिंग द रोवर एंड द लैंडर, उतना हमें नुकसान नहीं हुआ है, हमें अभी भी इससे काफ़ी वैल्यूएबल डेटा मिलता जा रहा है। अब भविष्य के मिशंस के लिए इसरो रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी की ओर रिसर्च कर रहा है। रीयूजेबल रॉकेट का मतलब है कि आप बार बार एक ही रॉकेट को इस्तेमाल कर सकते हो मल्टीपल मिशंस के लिए। तो इससे एक तो कॉस्ट में काफ़ी कमी आएगी और दूसरा टेक्नोलॉजी इससे बेहतर होगी। लेकिन अब ये चांद पर इतना रिसर्च चल क्यों रहा है? आप सोच रहे होंगे चांद पर क्या मिल रहा है ऐसा हमें कि हम बार बार मून मिशन भेज रहे हैं, भारत भी भेज रहा है। तो देखो, चांद पर यूरेनियम जैसे प्रेशियस मिनरल्स मिल चुके हैं। तो यूरेनियम के बारे में जो डिस्कवरी है, जापान ने इसकी घोषणा करी थी, और ये जितने भी देश हैं यूएसए, रशिया, यूरोप, चाइना, ये सब इसी जुगत में लगे हैं कि इनको कोई ना कोई प्रेशियस मेटल मिल जाए जिसकी ये वहां से माइनिंग कर सकें। तो ऐसा अंदाज लगाया जाता है कि चांद पर $1 trillion का न्यूक्लियर फ्यूल इस वक्त मौजूद है। तो यूरेनियम तो अभी डिस्कवर हुआ है, मान लो कुछ और भी हो सकता है, प्लूटोनियम भी मिल सकता है, कोई नए एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं, अभी कुछ पता नहीं है। देखो, जैसे जैसे रिसर्च होगा वैसे वैसे हमें नई चीज़ें पता चलेगी। तो अभी ऑलरेडी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्लान्स हैं कि वो 2025 तक चांद की सतह से मिनरल्स को उठाकर भारत ले आए। तो ये स्पेस माइनिंग का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम धरती पर बहुत कम मिलता है, तो अगर चांद पर मिल रहा है तो उसको भी ले आओ। नासा भी इस प्रकार के प्रोग्राम्स के ओर देख रहा है, तो उसने प्राइवेट कंपनीज से मदद मांगी है मून पर माइनिंग करने के लिए। लेकिन एक एग्रीमेंट किया गया था कुछ साल पहले दुनिया भर के देशों के द्वारा, जिसके तहत उन्होंने तय किया कि मून पर जो भी गतिविधियां होंगी उस पर कोई भी मिलिट्री गतिविधि नहीं होगी। तो 1979 में मून एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसमें यह कहा गया कि मून शुड बी यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल स्टेट एंड ऑल पीपल्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि मून पर कल को झगड़े नहीं होने चाहिए कि ये बॉर्डर हमारा, ये तुम्हारा, जैसा एंटार्क्टिका पर भी होने लग गया था। तो एंटार्क्टिक ट्रीटी भी है, उसी प्रकार से एक मून एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो कल को मून पर लोग अपना दावा ना जता दें कि यूएस कहे कि हम सबसे पहले पहुंचे थे तो आधा चांद हमारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहां पर किसी भी प्रकार की मिलिट्री टेक्नोलॉजी या वेपन्स को वहां पर प्लेस नहीं करना है, कोई भी मिलिट्री बेस वहां पर नहीं एस्टैब्लिश होगा। लेकिन यूएस, चाइना, रशिया और जापान जैसे देशों ने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया था। उनके मकसद ही अलग हैं, उनको तो वहां पर माइनिंग करनी है। और बाय द वे, जब भी मैं मैप इस्तेमाल करता हूं, मैं कई सारे कमेंट्स देखता हूं कि भारत का सही मैप इस्तेमाल करो। तो देखो, मैं बैठकर मैप नहीं बना सकता, मैं आपको बार बार बताता हूं। ये जो मैप्स हैं ये केवल रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, दे आर नॉट शोइंग द एग्जैक्ट एक्यूरेट बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी केवल इसमें से जो नॉलेज आपको लेनी है वो आप ले लो। बाय द वे, ये मैप जैसे मैं बताता हूं ये यूएन की वेबसाइट से लिया हुआ है। अब यूएन की वेबसाइट जब करेक्ट करेगी तभी तो ये मैप मिलेगा। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू मेक ऑल दीज मैप्स, ठीक है। तो जहां पर भी होती है हम कोशिश, ऑब्वियसली मैं भी करता हूं कि आपको भारत का बिल्कुल सही नक्शा बताऊं, लेकिन कई बार कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो मोस्टली ऐसे ही ग्राफिक्स होते हैं जहां पर मुझे आपको कुछ देशों का रंग बिरंगा इस तरह का मैप दिखाना होता है, तो वहीं पर ही होता है। चलो, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। तो जाते आते आंसर आपको दे देता हूं, जो मैंने सवाल पूछा था, आंसर है इसका इवॉल्व लीजा। इवॉल्व लीजा जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए ये ट्राइंगल के शेप में 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे। और इवॉल्व इस पर 2020 में क्वेश्चन आ गया था। तो जितने भी स्पेस मिशन हैं उन पर से एक या दो सवाल तो प्रीलिम्स में तय हैं आने। तो जो भी न्यूज़ में रहता है उसके बारे में आप ज़रूर पढ़िए और अच्छे से जानिए। अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है 28 मार्च को, इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट है, प्रीलिम्स के लेवल की तैयारी आपको पता चल जाएगी आपकी है या नहीं। भारत के बेस्ट एस्पिरेंट्स के साथ आप कंपीट करेंगे और यहाँ पर अगर आप अच्छी रैंक्स लाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जीतने का भी पूरा मौका है। इट्स अ फ्री इनिशिएटिव, महिपाल कोड यूज़ करके आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDFs को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।